लोकोमोटिव है WDM3D चंपारण हमसफर एक्सप्रेस में। गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। गाइज आज जो है आज मैं सफ़र करने वाला हूँ हमसफर एक्सप्रेस से, चंपारण हमसफर एक्सप्रेस से, जो कि ये ट्रेन कटिहार से चलती है और कटिहार से चलकर पुरानी दिल्ली तक जाती है। और इस ट्रेन को जो टाइम लगता है वो लगता है 29 घंटा 50 मिनट, और ये टोटल दूरी जो तय करती है ये तय करती है 1473 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो फ्रेंड्स वैसे तो मैं जो सफ़र करूँगा वो करूँगा सहरसा से समस्तीपुर तक की, और इसमें जो इसकी टाइमिंग लगेगी 3 घंटे की, और रास्ते में इसका एक स्टॉपेज होगा खगड़िया जंक्शन। तो गाइज आज मैं आपको हमसफर एक्सप्रेस का पूरा डिटेल दिखाने वाला हूँ और सारी चीज़ें। तो गाइज मेरे ब्लॉग को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और जो नए व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल पर आते हैं प्लीज़ उनसे मैं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप। फ्रेंड्स ये जो है चंपारण हमसफर एक्सप्रेस का लोकोमोटिव जो है वो अटैच हो रहा है अभी। गाइज समस्तीपुर का ये लोकोमोटिव है WDM3D चंपारण हमसफर एक्सप्रेस में। फ्रेंड्स ट्रेन की जो टाइमिंग थी वो थी 9:20 की, लेकिन ट्रेन जो है 20 मिनट देरी से खुल रही है, 22 मिनट देरी से खुल रही है, 9:42 पे खुल रही है। गाइस ट्रेन में सफ़र के दौरान हमसे मिले हैं भाई साहब, तो भाई साहब बताएंगे कुछ हम सफ़र ट्रेन के बारे में। तो बताइए कि आपको मतलब कैसा लगा पहली बार जो आए हैं इस ट्रेन में? बहुत अच्छा लग रहा है, साफ सफाई जो है इसमें अच्छा है, और बाद बाकी सब वो चलने में भी अच्छा है, चलता भी बढ़िया है, टाइम टेबल से पहुंच जाता है। आज पहली बार जा रहे हैं, आप क्या पता कैसा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, साफ सफाई भी। गाइज अभी खगड़िया रेलवे जंक्शन पे हम पहुंच चुके हैं, और खगड़िया रेलवे जंक्शन का जो कोड है वो KGG है, और ये सोनपुर रेल डिवीजन में है, और इलेक्ट्रिफाइड जो है यहाँ इलेक्ट्रिफाइड इंजन चलता है, और इसकी जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है
वो 36 मीटर है, 118 फुट है, और यहाँ पे जो इसकी टाइमिंग है रुकने की वो काफ़ी कम है, 2 से 3 मिनट ही रुकती है यहाँ पे ये ट्रेन। और इसको ऑपरेट जो करता है वो करता है ECR, इस सेंट्रल रेलवे इसको ऑपरेट करता है। फ्रेंड्स अभी अभी समस्तीपुर जंक्शन पे उतरे हैं हम सफ़र चंपारण एक्सप्रेस से। ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये ब्लॉग, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर टैप कीजिए, जिससे कि मैं आने वाले नए ब्लॉग जो है वो अच्छे से बना सकूँ आप लोगों के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय।